नेक्स्ट क्वेश्चन वो हो गया ना आपका। नेक्स्ट लिखो अ कैपेसिटर प्लेट्स, द कैपेसिटर प्लेट्स आर चार्ज बाय अ बैटरी विद वी वोल्ट्स। कैपेसिटर प्लेट्स आर चार्ज बाय अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट्स। बैटरी वोल्टेज गिवेन है, आर चार्ज बाय अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट्स। आफ्टर चार्जिंग द बैटरी इज डिसकनेक्टेड, आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कॉन्स्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कॉन्स्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कॉन्स्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। द पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल बिकम, द पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल बिकम, ऑप्शंस आर जीरो, वी बाय टू, वी बाय के, केवी। हाँ जी बताइए क्या आंसर आएगा। विदिशा बोलो क्या आंसर आएगा। बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, वॉट इज द पोटेंशियल आफ्टर इंसर्टिंग दिस डायलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। यस विदिशा क्या आंसर आएगा। विदिशा व्हाट विल बी द आंसर। वरुण आप बताओ। हाँ बोलो बोलो। यस स्पीक अप मैम, वी बाय के। वी बाय के, वेरी गुड। ये डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, और जो भी डिक्रीज इंक्रीज होगा के के फैक्टर से होगा। अगर इंक्रीज होगा तो के टाइम्स होगा, जैसे कैपेसिटेंस के सी हो जाएगी, और अगर डिक्रीज होगा तो वी बाय के होगा। जो भी इंक्रीज डिक्रीज होता है इन केसेस में बाय फैक्टर ऑफ के होता है, इधर मल्टीप्लाइड बाय के और डिवाइडेड बाय के, या सेम रह सकता है। हाँ पोटेंशियल कम हो जाएगा के फैक्टर से ही कम होगा, उससे कैपेसिटेंस पे इफेक्ट होगा ना। कैपेसिटेंस बिकम्स के टाइम। हाँ कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स रहेगी, पोटेंशियल तो यहाँ पे डिक्रीज हो गया। अगर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड देन पोटेंशियल विल रिमेन द सेम, देन चार्ज विल बिकम के टाइम। हाँ उस पर उसका फर्क कैपेसिटेंस है। हाँ ठीक है, तो ये अगर बैटरी कनेक्टेड रहती तो पोटेंशियल वी ही रहता, बट बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो वो डिक्रीज होगी बट बाय फैक्टर ऑफ के। चलिए नेक्स्ट लिखिए, थ्री चार्जेस टू क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, थ्री चार्जेस टू क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू lie at the vertices of a triangle, lie at the vertices of a triangle. The value of E and V at centroid of triangle will be, the value of electric field at E and B, value of E and V at centroid of triangle will be what? Options are, हाँ जी E and V, पहले electric field है फिर potential, E and V at centroid, नहीं बस triangle बताया, कुछ नहीं लिखा। थ्री चार्जेस टू क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू लाई एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, द वैल्यू ऑफ ई एंड वी एट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विल बी व्हाट। आपको सॉल्व थोड़ी करना है, ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं, पोटेंशियल जीरो होगा कि नहीं, बस ये बताना। हाँ जी क्या आंसर आएगा आपके अकॉर्डिंग, कैसे? हाँ
और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सॉल्व करके देखा, एक टू क्यू एक माइनस क्यू है, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। पोटेंशियल कैसे जीरो है बताओ? हाँ, वो सम तो जीरो हो जाएगा ना, एक प्लस टू क्यू आ जाएगा, एक माइनस क्यू, एक माइनस, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट। सो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट, नहीं आया, करके देखो सॉल्व। सेंट्रोइड ठीक है, वो तो जितना है उतना ही रहेगा। प्लस वन कूलम का चार ले लिया ठीक है, अब इसकी वजह से तो इधर और इधर आ गया, इसकी वजह से कहां पे जाएगा ये रिपल्सिव, तो ये तो ऐड हो जाएगा ना, वो प्लस टू की आया था, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी इधर ही आएगा, तो ये फील्ड कभी जीरो नहीं होगा, ये फील्ड आ जाएगा। वी नीड नॉट सॉल्व दिस बट वी हैव टू इंटरप्रेट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट है टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एक्स एंड वाई, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एक्स एंड वाई हैव द सेम एरिया ऑफ प्लेट्स, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एक्स एंड वाई हैव द सेम एरिया ऑफ प्लेट्स एंड सेम सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, हैव द सेम एरिया ऑफ प्लेट्स एंड सेम सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, X has air and Y has dielectric of constant 2. X में air है plates के बीच में और Y के अंदर dielectric है of constant 2 between the plates. They are connected in series to a battery of 12 volt. They are connected in series to a battery of 12 volt. X and Y have same area of plate, same separation between them. X has air and Y has dielectric of constant 2 between the plates. They are connected in series to a battery of 12 volt. The ratio of electrostatic energy stored in X and Y is, ratio of electrostatic energy stored in X and Y is 4 is to 1, 1 is to 4, 2 is to 1 or 1 is to 2. ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट कैपेसिटर सेकंड कैपेसिटर, इसकी अगर कैपेसिटर है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है, इसकी है 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, मतलब अगर आप सी, ये सी वन है तो सी टू इज टू सी वन, सी टू इज टू सी वन ठीक है। अब बैटरी पोटेंशियल है 12 वोल्ट, तो हाफ सी वी स्क्वायर यूज करोगे आप, पोटेंशियल तो सेम ही है, तो रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस इज द आंसर 1/2, सो द आंसर इज 1/2, बैटरी पोटेंशियल इज सेम, सो दैट इज 1/2।